खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में गरीब परिवारों को राशन देने की योजना में एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खाद्यान्न गोदाम से राशन कम दिए जाने के मामले को बाद अब FCI गोदाम से भेजी जाने वाली राशन की बोरियों से ईंट पत्थर मिलने का खुलासा हुआ है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के पत्र के मुताबिक FCI के निकलने वाले खाद्यान्न की बोरियों में जहां ईंट पत्थर भरकर गोदामों पर भेजा जा रहा है, तो वहीं एक ट्रक में 15 से 20 बोरी सड़ा हुआ खाद्यान्न को खपाया जा रहा है। आरोप ये भी है कि गोदाम से चावल के बदले गेहूं की बोरियां जबरन गोदामों पर भेजी जा रही हैं, तो वहीं खाद्यान्न बोरी में इंटरलॉकिंग ईंटें मिलने के AMO राजेश गुप्ता के पत्र के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। FCI के एरिया मैनेजर ने इस मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन करके मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं देवी पाटन मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रण दिनेश शर्मा का कहना है कि FCI के एरिया मैनेजर द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सप्लाई डिपार्टमेंट के FCI से जो खाद्यान्न लोडिंग होती है उसको हमारे द्वारा फूड डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, तो उनका जो गोंडा का जो गोदाम है FSG गोंडा, वहाँ पे प्रकरण संज्ञान में आया था। हमारे जो डिस्पैच इंचार्ज हैं राजेश गुप्ता, एरिया मार्केटिंग ऑफिसर, उनके द्वारा संज्ञानित किया गया। उसमें 23/5 की घटना है जिसमें कुछ ट्रकों में गेहूँ चावल की जगह गेहूँ दिया जा रहा था और कुछ एक ट्रक में जो संज्ञानित हुआ हमारे गोदाम पर उतरा उसमें कुछ ईंट पत्थर मिले हैं।